हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले शिक्षा कुल के इस 45 दिवसीय मैराथन क्लास के लिए मैं वीके मिश्रा और अन्य प्रसिद्ध शिक्षकगण करण सर, दिव्या मैम और पवन पांडे सर उपस्थित हूं। यदि हम बात करें तो आपको एक कहानी पता होगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और इसीलिए मैं इस शिक्षा कुल के मंच से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों को बताना चाह रहा हूं कि आपको इस बात की जानकारी है कि कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको इस बात की भी जानकारी होती है कि आखिर में कौन कौन से टॉपिक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आखिर में प्रीलिम्स के लिहाज से कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कभी कभी ये आपसे छूट जाता है। और इसी प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं 45 दिवसीय मैराथन क्लास से, जिसमें हमारा और आपका संबंध ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर होगा। यदि हम बात करें यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की भूमिका की, तो प्रतिवर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लेकर 40 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी में यहाँ पे हम लोग 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग के तहत। यदि हम एस्ट्रोनॉमी में बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में पहला टॉपिक होगा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, निहारिका और आकाशगंगा। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सौर परिवार। सौर परिवार में ही हम पहला अध्ययन करेंगे सूर्य एवं सूर्य की संरचना, ग्रह एवं ग्रह के प्रकार। यदि हम इंडियन ज्योग्राफी में एंट्री करें तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक होता है आकार एवं अवस्थिति को लेकर, दूसरा टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन, तीसरा टॉपिक मानसून, चौथा टॉपिक यदि हम बात करें तो मृदा, वनस्पति और साथ ही साथ में भारत के कुछ खनिज संसाधन, कृषि और उद्योग, परिवहन पर हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक होता है कि भारत की आंतरिक संरचना एवं असंबद्धता रेखा, दूसरा टॉपिक होता है भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा प्लेट टेक्टोनिक्स और इससे संबंधित स्थलाकृतियां। यदि हम बात करें कि जलमंडल के बारे में तो जलमंडल में पहला टॉपिक होता है जलचक्र, दूसरा टॉपिक नितलीय उच्चावच, तीसरे टॉपिक की बात करें तो लवणता और तापमान, चौथा टॉपिक महासागरीय धारा, प्रवाल भित्ति और टाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा हमारा अगला है विश्व भूगोल के अंतर्गत ही वायुमंडल, जिसके अंतर्गत वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना। दूसरा हमारा टॉपिक होगा सूर्य ताप एवं तापमान, तीसरा वायुदाब और वायुदाब पेटी, चौथा चक्रवात और स्थानीय पौने और पांचवा जलवायु वर्गीकरण। और फिर उसके बाद हम लोग मैपिंग सीरीज को करेंगे। मैपिंग सीरीज में हम लोग कुछ नदियों, विश्व की नदियां, विश्व के मरुस्थल, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला एवं चोटियां, ये सब हम लोग मैपिंग के माध्यम से करेंगे। और इस 45 दिवसीय कार्यक्रम क्रम में इसके अतिरिक्त हम आपको उपलब्ध कराएंगे मॉक टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं करंट अफेयर PDF एंड मैगजीन, इसके अतिरिक्त काउंसलिंग, 1-to-1 मेंटरिंग एंड और हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं एक बेहतरीन जूम सेशन। तो इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं WhatsApp के माध्यम से, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे जो शिक्षा कुल वेबसाइट है उस पर मिल सकते हैं, शिक्षा कुल नाम से हमारा टेलीग्राम है उस पर आप जुड़ सकते हैं, इन सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं मंडे से, हमारी लाइव क्लासेस शिक्षा कुल PCS चैनल पर होंगी, आप लोग जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।